आज के दिन का सिक्स नंबर का मैच होने जा रहा है सानवी इलेवन विपक्ष देवा फाउंडेशन के बीच में। इस बीच पहले ओवर की पहली गेंद, ये गेंद बढ़िया गेंद थी साहिल की, इस अभिजीत की, इस गेंद को पूरी तरह से सम्मान दिया और एक रन यहां पर प्राप्त हुआ देवा फाउंडेशन के बल्लेबाज प्रमोद पावशे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रमोद पावशे और दिनेश पावशे, जिन्होंने पिछले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी दिनेश ने। अभिजीत ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास जरूर दिखाया, थोड़ा सा मिसफील्ड हुई यहां पर, या नतीजा चार रन मिले। इस चार के साथ कुल स्कोर में चार रन से बढ़त स्कोर जा पहुंचा है बिना कोई विकेट खोए पांच रन। बढ़िया मुकाबला सानवी इलेवन और देवा फाउंडेशन के बीच में। यहां पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अभिजीत 10-12 कदमों का रनअप। ये गेंद बढ़िया गेंद रही है, हल्की से नीचा दिखाती हुई गेंद, दिनेश ने गेंद को सम्मान देने का प्रयास किया। इस बार गेंद विकेट कीपर के हाथ में, डॉट गेंद की समाप्ति, स्कोर में कुछ बढ़ोतरी नहीं। इस बीच फिर एक बार गेंदबाज 10-12 कदमों का रनअप, इस बार भी बढ़िया गेंद सम्मान देने का प्रयास जरूर दिखाया दिनेश ने। फिर एक बार डॉट गेंद की समाप्ति, कुल स्कोर में किसी भी तरह का यहां पर बदलाव नहीं, स्कोर जा पहुंचा बिना कोई विकेट खोए सिर्फ पांच रन। अभिजीत भोपी फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद बढ़िया शॉट, वाह जबरदस्त शॉट, और इस चार रन की मदद के स्कोर जा पहुंचा है यहां पर बिना कोई विकेट खोए नौ रन। दिनेश पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी दिनेश ने, इस बार जबरदस्त गेंद बल्लेबाजी करते हुए दिनेश। अभिजीत फिर एक बार अंपायर को पार करते हुए, एक गेंद बढ़िया शॉट, इस बार गेंद नहीं रुकेगी, गेंद जाएगी सीमा पार, चार रन के लिए जबरदस्त चौका डीजे। इस चौके के साथ कुल स्कोर में चार रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा यहां पर बिना कोई विकेट को 13 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। पहले बल्लेबाजी करते समय यहां पर देवा फाउंडेशन के दो बल्लेबाज दो भाई उतरे हैं मैदान में, एक बाजू में है प्रमोद पावसे और दूसरी तरफ दिनेश पावसे। दोनों भी भाई इस बार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, दिनेश ने अभी मोर्चा संभाला है जो कि जिन्होंने अब तक 12 रनों का कुल एक दो योगदान दिए अपने टीम के लिए। और इस बार मैच को जीतना है तो दिनेश को अच्छी बल्लेबाजी करनी और प्रमोद को उनका साथ निभाना होगा। स्कोर जा पहुंचा है 13 रन बिना कोने विकेट को, और नए गेंदबाज जिस गेंदबाज पे ऊपर विश्वास दिखाया टीम के कप्तान ने, खुद कप्तान इस जिम्मेदारी को निभाते हुए दिखते तेजेश मात्रे। इस टूर्नामेंट के लिए काफी योगदान रहा है तेजेश मात्रे का, और इस बार बल्लेबाजी का गेंदबाजी का जिम्मा स्वीकारते हुए अपने कंधों के ऊपर इस बार 10-12 कदमों को रनअप। एक गेंद पहली गेंद थी थोड़ी नीचे रही गेंद, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हो पाया। प्रमोद इस बार बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, और नॉन स्ट्राइक पर दिनेश, जो कि दिनेश ने चार गेंद में अब तक 12 रन बनाए। तेजेश फिर एक बार, इस बार थोड़ी सी ढीले हाथ से गेंदबाजी, यहां पर राहुल काटे एक एक्शन मोड में आए हैं, पर यहां पर अंपायर की भूमिका निभाते समय, शायद पिछले साल में उन्होंने बहुत मनोरंजन किया था 26 जनवरी को, लेकिन इस बार थोड़े से नाराज। इस बार प्रमोद अपना विकेट गवाते समय, और यहां पर पहली सफलता सानवी इलेवन नितलस के लिए तेजेश इस बार अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी करते समय। स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, एक विकेट खोने के बाद
देवा फाउंडेशन 11 टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन और नए बल्लेबाज संकेत भी काफी फॉर्म है। जब जब नितलस बाहर खेलने जाती है तो बड़ी जिम्मेदारी जब आती है नितलस के मैच के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है तो संकेत को यहाँ पर मिडल ऑर्डर में भेजा जाता है। और जब जब मैंने देखा है कि थोड़ा सा प्रेशर में है टीम तो शायद उस प्रेशर से बाहर निकालने का काम संकेत जरूर करता है। इस बार पूरी जिम्मेदारी संकेत और दिनेश के कंधों पे। गेंदबाज तेजेश अंपायर को पार करते हुए 10-12 कदमों का रन अप। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, मारने का प्रयास जरूर दिखाया लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, बैट कट जरूर मिलेगी। एक रन मिला यहां पर, एक रन से कुल स्कोर में एक रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है 15 रन एक विकेट खोने के बाद। तेजेश ये गेंद दिनेश के लिए बहुत बढ़िया शॉट, गैप ढूंढने में कामयाब रहे दिनेश। यहां पर सीमा रेखा लगत गेंद को पाव से रोकने का काम किया है, चेक करो जरा। यहां पर 3 रन जरूर मिलेंगे दिनेश को और 3 रनों से खाता आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर में 3 रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा एक विकेट खोने के बाद 18 रन। यहां पर तेजेश, यहां पर कप्तान गेंदबाजी करते हैं। ये बढ़िया शॉट रहा है संकेत का, इस बार गेंद रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी सीमा पार, एक जबरदस्त चौका। इस चौके के साथ कुल स्कोर में 4 रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है एक विकेट के खोने के बाद ये 22 रन। संकेत के ऊपर काफी जवाबदारी जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हुए यहां पर पहली गेंद का समाचार लिया पूरी तरह से, गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। ये गेंद बढ़िया गेंद और बढ़िया प्लेसमेंट यहां पर संकेत द्वारा, एक रन जरूर मिलेगी ये इस एक रन के साथ कुल स्कोर में 1 रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है 23 एक विकेट खोने के बाद 23। 2 ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर में आए 13 और इस ओवर में आए 10 रन। यहां पर जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन तेजस द्वारा, कप्तानी बारी जिस तरह से खेलती है तो वैसे ही कप्तानी गेंदबाजी तेजस ने करके दिखाई। इस बार इस पहले दिन का ये छठा मैच देवा गुप्त फाउंडेशन विपक्ष सानवी इलेवन टीम ने तेजस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और पहले गेंदबाजी करते समय यहाँ पर अभिजीत के ऊपर विश्वास जताया तेजस ने और इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते समय अभिजीत ने 6 गेंदों में 13 रन खर्च किए और दूसरे गेंद की नियुक्ति करते समय तेजस ने खुद जिम्मा संभाला और इस 6 गेंद में 1 विकेट प्राप्त करते हुए 10 रन पर रोक दिया। इस बार तीसरे गेंदबाज शायद मेरे ख्याल से परेश पहुंचे, परेश लेफ्ट हैंडर गोलंदाज गेंदबाज। ये गेंद मिस टाइमिंग शॉट, गेंद ऊपर की तरफ, अभिजीत जब तक गेंद पर आए तब तक गेंद ने टप्पा खाया था और 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 रन के साथ कुल स्कोर में 2 रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है 1 विकेट खोने के बाद सिर्फ 25 रन। यकीनन यहां पर बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी दिनेश को, दिनेश काफी फॉर्म में चल रहे आज के दिन में। ये गेंद बढ़िया शॉट, व्हाट अ शॉट, गेंद को रोकने में कामयाब रहे संदेश पात्रे। दो रन जरूर मिलेंगे इस 2 रन के साथ, 2 रन से बढ़त फिर एक बार परेश। ये गेंद संकेत के लिए, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ खेला गेंद को सीमा पार, गेंद रुकेगी नहीं, जाएगी सीमा पार षटकार। अब बजाओ डीजे।
और ये गेंद फिर एक बार बढ़िया शॉट और गेंद जाएगी सीमा पार चार रनों के लिए। इस चार रन से कुल स्कोर में चार रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है 37 लॉस ऑफ वन विकेट। थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहां पर परेश पाऊ से जिस तरह से विश्वास दिखाया तेजस ने, खुद जिम्मेदारी से बाली दी तब 10 रनों पे रोका था, लेकिन इस बार थोड़े से महंगे साबित हुए परेश। अब तक पहले गेंद पे 2, दूसरी गेंद पे 2 और तीसरी गेंद पे षटकार और चौथी गेंद पे चौका, इस बार डॉट गेंद की समाप्ति और यहां पर कमबैक करते हुए परेश। लेकिन संकेत को रोकना और दिनेश को रोकना होगा यहां पर इस गेंदबाज को। 37 रन लॉस ऑफ वन विकेट, अंतिम गेंद रहेगी परेश की। ये गेंद आगे जाके खेलने का प्रयास किया, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, इस बार 2 रन जरूर मिलेंगे। जब तक गेंद फील्डर के हाथ में पहुंचे तब तक यहां पर बनाए 2 रन। यहां पर इस 2 रन के साथ कुल स्कोर में 2 रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है यहां पर 39 लॉस ऑफ वन विकेट। उनतालीस रन बने हैं यहां पर एक विकेट खोने के बाद। बढ़िया जिम्मेदारी अपने कंधों पे बाखूबी निभाते समय इस बार दिनेश और संकेत जिस तरह से बल्लेबाजी की, पहले ओवर में दिनेश ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और इस बार इस जिम्मेदारी को निभाते समय संकेत यहां पर 2 चौकार और 1 षटकार के साथ खेल रहे हैं। उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार इस मैच में। कुल्स का टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। अभी भी 2 और बाकी है और इस 12 गेंद में 20 रन बनाने होंगे यहां पर देवा फाउंडेशन 11 टीम को। और नेक गेंदबाज शायद टीम के उपकप्तान सानवी 11 के तरफ से जिस गेंदबाज के ऊपर विश्वास जताया वो गेंदबाज संदेश मात्रे। पहली गेंद थी थोड़ी सी खराब गेंद, प्रैक्टिस में रहते हैं संदेश फिर भी खराब गेंदबाजी होती है यहां पर। पहली गेंद पर यहां पर वाइड दिखाया। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक हॉल की गेंद थी, मारने का प्रयास जरूर दिखाया लेकिन पल्ले के बीच को बीच नहीं आई ये गेंद। और डॉट गेंद की समाप्ति। संदेश फिर एक बार राहुल को पार करते हुए ये गेंद मारने का प्रयास जरूर दिखाया लेकिन मिस टाइमिंग शॉट। देखना है झेल यहां पर क्या छूट गई, शायद जीवनदान मिला यहां पर बल्लेबाज दिनेश पाउशे को। और जिस दर से अगर गेंद हाथ से छूटती है तो काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है अपने टीम के लिए। फील्डिंग पे यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करते समय यहां पर टीम के कप्तान तेजेश संदेश। दिनेश के लिए गेंद थी, मारने का प्रयास जरूर किया लेकिन अंतिम क्षण में गेंद ने दिशा बदली और गेंद जा पहुंची सीधा विकेट कीपर के हाथ में। डॉट गेंद की समाप्ति। संदेश ये गेंद दिनेश के लिए थोड़ी सी ताकत कम लगी मेरे ख्याल से, यहां पर कैच को ड्रॉप किया गया अनिकेत के ओर से और ये दूसरा जीवनदान दिनेश को। ये जीवनदान महंगा होगा हो सकता है दिनेश के लिए, ये टीम के लिए, क्योंकि दिनेश जैसे बल्लेबाज को जीवन देना बहुत मुश्किल में डाल सकता है टीम को। संदेश इस बार फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, एक रन पूरा दूसरी का प्रयास लेकिन रोक लिया यहां पर संकेत को। इस बीच हमारे अतिथि मेहमान सम्माननीय नंदू जी काठे
इनका शुभागमन। आइए मंच पर इस बार संदेश। ये गेंद, शायद इस गेंद को अंपायर ने वाइट करार दिया है। इस अतिरिक्त रन के साथ कुल स्कोर में एक रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है 45 रन बना चुके हैं अब तक। ये गेंद, फुल टॉस गेंद, अब गेंद रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी सीमा पार, चार रनों के लिए चौका, षटकार। और इस छट्टे के साथ वे कुल स्कोर में 6 रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है 51 रन, 51 लॉस ऑफ द वन विकेट। बढ़िया से बल्लेबाजी करते हुए यहां पर दिनेश और संकेत, यहां पर प्रमोद आउट होने के बाद पूरी तरह से जिम्मेदारी को निभाते समय यहां पर दो बल्लेबाज दिनेश पावसे और संकेत पावसे की जोड़ी, यहां पर 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर जा पहुंचा है 51 रन एक विकेट खोने के बाद। नए गेंदबाज, देखना है किस गेंदबाज के ऊपर जिम्मेदारी का अतुल ना। अब शुभम के कंधों पे इस गेंदबाजी का जिम्मा, शुभम अपने ओर की पहली गेंद। ये गेंद यहां पर मारने का प्रयास, मिस टाइमिंग शॉट है, देखना है झेल कैच होती है नहीं, लेकिन इस कैच को भी ड्रॉप किया और एक रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ कुल स्कोर में एक रन से बढ़त स्कोर जा पहुंचा है 52 रन, 52 लॉस ऑफ वन विकेट। यहाँ पर बढ़िया स्कोर बनाते समय इस दो बल्लेबाजों की जोड़ी अपन मैदान में देख सकते हैं, एक बाजू में दिनेश और नॉन स्ट्राइक पे संकेत की जोड़ी शुभम, फिर एक बार अंपायर को पार करते हुए 10-12 कदमों का रन। ये गेंद अब नहीं रुकेगी, गेंद जाएगी सीधा सीमा पार, 6 रनों के लिए बढ़िया षटकार। और इस छक्के के साथ कुल स्कोर में 6 रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है 58 लॉस ऑफ वन विकेट। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर दिनेश पावसे की और संकेत पावसे की, जिस तरह से जिम्मेदारी निभानी होती है कप्तान को, उस तरह से कप्तानी बल्लेबाजी यहाँ पर दिनेश की ओर से। यहाँ पर बढ़िया फील, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन इजीली कंप्लीट किए यहाँ पर दिनेश ने। दिनेश इस बार इस दिन में फुल फॉर्म में चल रहे, अब 60 रन बन चुके लॉस ऑफ वन विकेट, और देखना है बची हुई गेंद में कितने रन निकालते हैं। शुभम की ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार निशाना चूके दिनेश, और यहां पर दिनेश पावसे बैक टू पवेलियन। दिनेश बहुत बड़ी बोली अजय जी, 14 गेंद और 32 रनों का योगदान अपने टीम के लिए। और नक्की और यकीनन आज के दिन में स्वप्निल बर्थडे बॉय बाला का आज बर्थडे, और इस मैच, ये मैच होने के बाद उनका बर्थडे का जश्न मनाया जाएगा टीम की तरफ से। और ये गेंद अब नहीं रुकेगी, गेंद गेंद जाएगी सीमा पार, 4 रनों के लिए चौकार। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर बल्लेबाज सौरभ की तरफ से, सौरभ यकीनन सौरभ यहां पर क्रिकेट कम और कुश्ती ज्यादा खेलते हैं, अपने ताकत का इस्तेमाल किया इस बार सौरभ ने, बढ़िया कुश्ती खेलते हैं, और जिन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में बहुत सारी किताब पाए वही कुश्ती पहलवान यहां पर क्रिकेट में अपनी नजाकत दिखाते समय पहली गेंद पर चौकार शुभम। एक गेंद, अच्छी गेंद थी, लेकिन इस बार गेंद से चूके, और यहां पर 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर जा पहुंचा है
62 यानी 64 65 रनों का टारगेट। तर याच दरम्यान आमच्या या स्पर्धेसाठी आवर्जून उपस्थित राहिले ते आमचे मित्र परम मित्र नंदूदादा काटे यांचा सन्मान। मी विनंती करेन महेंद्रला की आपल्या शुभा हस्ते दादांचा सन्मान करायचा आहे। हां तिकडे चल तिकडे शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन तिथे आहे शाल नंदूदादा काटे यांचा सन्मान करायचा आहे। अतिशय लाख मोलाची स्पर्धा या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्या त्या दिवसामध्ये आपण अंतिम सामना पाहतोय। सानवी 11 विपक्ष देवा फाउंडेशन आमचे अतिथी मान्यवर सन्माननीय नंदूदादा काठे यांचा सन्मान करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय। आमचे फोटो काढा ना पिंटू फोटो काढ। नक्कीच दादा आपण आलात आमच्या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल मी NPL धमाका 2023च्या वतीनं आपलं मनापासून आभार मानतो। चलो चलते हैं मैदान की ओर। यहाँ पर पहली गेंद गेंद को सम्मान देने का काम यहाँ पर बल्लेबाज संभाजी की तरफ से। यहाँ पर 65 रनों का टारगेट रखा है देवा फाउंडेशन टीम ने। बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाजी करने के लिए तैयार शुरुआती बल्लेबाज के रूप में मैदान में हम देख रहे हैं तेजेश और संभाजी की जोड़ी। इस बार गेंदबाजी के लिए तैयार विकी अंपायर को पार करते। ये गेंद बढ़िया गेंद थी और यहां पर बल्ले का बाहरी हिस्सा। इस बार संभाजी आउट ऑफ द ग्राउंड। टारगेट ले टारगेट ले
65 रनों का पीछा करते समय यहाँ पर शुरुआती बल्लेबाज, इस बार असफल रहे संभाजी यहाँ पर, नहीं बल्लेबाज परेश विकी इस बार गेंदबाजी करेंगे। परेश के लिए ये गेंद, बढ़िया शॉट अक्रॉस द लाइन, गेंद रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेशा पार, 4 रनों के लिए चौकार, बढ़िया शुरुआत। पहले गेंदबाज के रूप में यहां पर गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए बीके, जिन्होंने पहली गेंद पर संभाजी को आउट किया था, इस बार फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, 10-12 कदमों का रन अप। ये गेंद परेश के लिए, ये पर मिस टाइमिंग शॉट रहा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति, प्रेशर बढ़ता हुआ है यहां पर तेजेश के ऊपर, तेजेश को यहां पर तेजेश जल्दबाजी ना करे, शांति से क्रिकेट को खेला जाए ताकि अपनी विकेट महत्वपूर्ण हो सकती है इस मैच में, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी ना करे, जो कि शुरुआत के ओवर में रन कम बनेंगे चलेंगे तेजेश, लेकिन आखिरी ओवर में यहाँ पर उनको रन बनाने का मौका हो सकता है। 65 रनों का टारगेट, यहाँ पर पूरी तरह से रनों पर रोक लगाइए गेंदबाज विकी ने, जिस तरह से आउट हुए संभाजी और उनके बाद में यहाँ पर जिम्मेदारी स्वीकारते हुए परेश, परेश ने पहले गेंद पे चौकार जरूर लगाया लेकिन दूसरे दो गेंदों पे यहाँ पर पूरी तरह से रोक लगाया, देखना है यहाँ पर कैच को लपका गया और दूसरा विकेट यहाँ पर मैदान से बाहर। यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 2 विकेट खोने के बाद सिर्फ 4 रन, यानी कि अभी भी 61 रनों की जरूरत है बची हुई 24 गेंदों में, और ये टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन इस जब तक तेजेश मैदान पर है तब तक यह यकीनन यह स्कोर आसान है अपने टीम के लिए। और नए बल्लेबाज अनिकेत भोपी काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस बार उनको बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी, बल्लेबाजी करनी होगी। नए गेंदबाज टीम के कप्तान खुद गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए राइट आर्म और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे, हार्ड हिटर गेंदबाज है, मलिंगा स्टाइल में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज, जो कि नीतलस के टॉप 11 के बेहतरीन गेंदबाज के नाम में रूप से जाना जाता है, वही गेंदबाज प्रमोद पावसे। स्ट्राइक में तेजेश, नॉन स्ट्राइक में यहां पर नए बल्लेबाज अनिकेत। पहले ओवर की पहली गेंद अंपायर को पार करते हुए, ये गेंद बढ़िया शॉट, देखना होगा गेंद अब नहीं रुकेगी, गेंद जाएगी सीमा पार, राहुल कटेगा यहां पर 6 का इशारा, और ये बढ़िया शॉट और बढ़िया शुरुआत तेजेश द्वारा। प्रमोद फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, ओवर की दूसरी गेंद, ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास जरूर दिखा, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास, पहले गेंद पे जरूर मौका उठाया तेजेश ने, लेकिन इस बार प्रमोद ने भी चतुराई से गेंदबाजी की, गेंद में थोड़ा सा परिवर्तन किया, हल्का हाथों से गेंद को फेंका, स्पीड कम किया, और इस बार डॉट रहे तेजेश इस गेंद को मारते समय, डॉट गेंद की समाप्ति, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। प्रमोद फिर एक बार, ये गेंद, इस गेंद को उड़ाया सीधा 6 रनों के लिए, या जबरदस्त षटकार। रायगढ़ ठाण्याच्या बाउंड्री वरती नित्रस गावाची पावन धरती, हनुमंत
पहले बल्लेबाजी करते समय दिनेश और संकेत ने बढ़िया बल्लेबाजी करती है और इस सवाल का जवाब देते हुए समय यहां पर तेजेश को मैदान में देख पा रहे हैं, जिन्हें कि दो गेंद में दो षटकार जरूर लगाए हो इस बार गेंदबाजी के लिए। फिर एक बार प्रमोद की ये गेंद और ये गेंद बढ़िया शॉट, अब नहीं रुकेगी, गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, छह रनों के लिए षटकार। यकीनन जब जब तेजस अच्छी बारी खेलते हैं तो यकीनन यहां पर संग्राम टीम का बेहतरीन प्रदर्शन होता है और इस तरह से बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते समय तेजेश अब प्रमोद को रोकना होगा। तेजेश को इस बार प्रमोद ये फिर एक बार क्रॉस द लाइन गेंद को खेला है, जब तक संकेत के पास गेंद पहुंचे तब तक मौका था, मौके का फायदा उठाया और चुराई एक रन और इस एक रन से कुल स्कोर में एक रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है 23 रन लॉस ऑफ टू विकेट। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे अनिकेत भोपी, जिन्होंने आज के दिन में स्कोरर का बखूबी काम निभाया वही बल्लेबाज अनिकेत, और इस बार बल्ले से चूके प्रमोद ने बहुत चतुराई के साथ गेंदबाजी की, जिस तरह से एक्शन में गेंदबाजी करते थे मारने के मूड में थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को थोड़ा सा परिवर्तन दिलाया प्रमोद ने और इस बार डॉट गेंद की समाप्ति दो ओवर खलास हो गए। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 23 रन और प्रमोद ने खर्च किए यहां पर 19, थोड़े से महंगे साबित हुए। तेजस ने बढ़िया से बल्लेबाजी की जिनके तीन गेंदों पे तीन षटकार जरूर लगाए। अब बची हुई 18 गेंद और 18 गेंद में इस लक्ष्य को पार करने के लिए फिर एक बार तेजस को यहां पर कप्तानी पारी खेलनी होगी। देख गेंदबाज देखना है प्रमोद किस गेंदबाज के ऊपर विश्वास दिखाते हैं। पहला गेंदबाज चुना गया था प्रमोद की तरफ से विकी, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, जिन्होंने दो विकेट प्राप्त करते समय चार रनों का खर्चा किया था और दूसरे गेंदबाज को खुद को चुना था, थोड़े से महंगे साबित हुए प्रमोद जिन्होंने 19 रन खर्च किए। इस बार प्रमोद ने किस गेंदबाज के हाथ में मोर्चा संभालने को दिया है। धीरज पावसे के कंधों के ऊपर यहां पर गेंदबाजी की जिम्मा हमारे अंपायर अनिल जी टेम्बे और राहुल काटे दोनों का स्वागत। इस बार धीरज पहली गेंद तेजस के लिए बढ़िया गेंद और रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, गेंद को रोक पाएंगे या नहीं लेकिन रोक लिया अंतिम क्षण में यहां पर संकेत ने और दो रन जरूर मिलेंगे। इस दो रन के साथ कुल स्कोर में दो रन से बढ़त स्कोर जा पहुंचा है लॉस ऑफ टू विकेट 25 रन। 25 रन यहां पर 65 रनों का पीछा करते समय दो विकेट जरूर गवाए लेकिन यहां पर पूरी तरह से जिम्मा संभाला है इस दोनों बल्लेबाजों ने तेजेश और अनिकेत। धीरज फिर एक बार अंपायर को पार करते हुए ये गेंद अब नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को, नो जरूर मिलेगा। खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन धीरज द्वारा, यहां पर 1+4 इस तरह से 5 रन जरूर मिलेंगे और इस पंजे के साथ कुल स्कोर में 5 रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है दो विकेट खोने के बाद 30 रन, यानी कि अभी भी 36 रनों की जरूरत है बची हुई। सोलह गेंदों में फ्रीट रहेगा धीरज, यहां पर थोड़े से महंगे साबित होते समय ये गेंद तेजेश के लिए और थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, इस बार बढ़िया झेल यहां पर कैच लिया था लेकिन फ्री हिट था इस कारण विकेट नहीं हो सकेगा। दो रन जरूर पूरे किए, इस दो रन के साथ कुल स्कोर में दो रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है 32 लॉस ऑफ टू विकेट। धीरज फिर एक बार गेंदबाजी किया,
गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन तेजस सीधे हाथ से रन आ रहे तो टेढ़े हाथ से करने का क्या जरूरत है, क्योंकि आपका अनुभव काफी है तेजस। तो अगर इस तरह से गेंदबाजी करेगा तो टीम का स्पॉन्सर शैलेश थोड़ा सा नाराज होएगा आपके ऊपर। धीरज फिर एक बार अंपायर को पार करते हुए 10-12 कदमों का रन अब तेजस के लिए। ये गेंद, गेंद को सम्मान दिया, एक रन जरूर मिला और यहाँ पर गुड रन बिटवीन द विकेट। जब तक गेंद पकड़े फेंकड़े तो तब तक मौका था एक रन पूरा करने का। इस एक रन के साथ कुल स्कोर में एक रन से बढ़त स्कोर जा पहुंचा है 33 यानी 33 रन लॉस ऑफ टू विकेट। धीरज फिर एक बार, ये गेंद यहां पर दिशा से जरूर भटके। अनिल टेम्बे काफी अनुभव है उनके पास और आज के दिन में काफी बेहतरीन अंपायरिंग करते समय इस बार अनिल जी और दूसरी बाजू में हमारे राहुल हार्ड हिटर फलंदाज बैट्समैन। और एक रन जरूर मिलेगी और इस एक रन के साथ कुल स्कोर में एक रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। आणि नंदूदादा काटे यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी तब्बल 500 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य आम्हाला लाभलं। मी या सर्व मान्यवरांचं मी मनाच्या अंतरकरणापासून सहर्ष स्वागत करतो। आपण आलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल मनापासून आभार। स्कोर ज्या पावचा आहे 36 रन दो विकेट कोने के बाद। इस बार धीरज फिर एक बार गेंदबाजी का मौका। ये गेंद, बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट, व्हाट अ शॉट, जबरदस्त शॉट। गेंद सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए जबरदस्त षटकार। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 42-42 रन दो विकेट कोने के बाद। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर अनिकेत और तेजस द्वारा। 12 गेंद और 23 रनों की जरूरत, 12 गेंद और 23 रनों की जरूरत यहां पर सानवी 11 टीम को। या पर देवा फाउंडेशन के गेंदबाजों को अब इस बार अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। नेक्स्ट गेंदबाज जिस गेंदबाज के ऊपर विश्वास जताया है वो गेंदबाज है संकेत पावसे, जिन्होंने बल्लेबाजी करते समय बढ़िया बल्लेबाजी की थी। 11 गेंदों में 24 यानी कि बढ़िया बल्लेबाजी की थी। वही गेंदबाज बल्लेबाज इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे बल्लेबाज तेजस, नॉन स्ट्राइक पे अनिकेत, जिन्होंने पिछले ओवर में अंतिम गेंद पे जबरदस्त षटकार लगाया था वही बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर संकेत अंपायर को पार करते हुए 10-12 कदमों का रन अप। ये गेंद कारपेट लेवल की तरफ से लॉन्ग ऑन लॉब की तरफ से जाते हुए एक रन जरूर मिलेगी। इस एक रन के साथ कुल स्कोर में एक रन से बढ़त स्कोर जा पहुंचा है अब 43। अब 11 गेंद और 22 रनों की जरूरत। संकेत फिर एक बार, ये गेंद खराब प्रदर्शन इस बार गेंदबाज द्वारा। यकीनन यहां पर एक अतिरिक्त रन मिलेगी। इस अतिरिक्त रन के साथ कुल स्कोर में एक रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है 44 यानी कि अब 11 गेंद और 21 रनों की जरूरत, 22 रनों की जरूरत।
गेंद मारने का प्रयास जरूर किया लेकिन बैट और गेंद में संपर्क नहीं हो पाया। एक रन जरूर मिलेगी और एक रन के साथ कुल स्कोर में एक रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचा है 45। अब फिर एक बार संकेत राहुल को पार करते हुए ये गेंद थोड़ी सी हल्की हाथ से खेली, यहां पर गेंद नहीं रुकेगी, गेंद जाएगी सीमा पार 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट तेजेश द्वारा षटकार। यदि रोकना है इस बार सानवी 11 के बल्लेबाजों को तो यहां पर संकेत को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। तेजेश काफी फॉर्म में चल रहे इस बार अंपायर को पार करते हुए संकेत। ये गेंद बढ़िया शॉट, यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए हल्के हाथ से गेंद को खेला और एक रन चुरा लिया और एक रन के साथ कुल स्कोर में एक रन से बढ़त। अब 8 गेंद और 14 रनों की जरूरत। बावन रन बने हैं और 8 गेंद में 13 रनों की जरूरत। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, अंपायर का निशाना, बल्लेबाज आउट। इस बार गेंदबाज अच्छे साबित होते हुए संकेत, जिन्होंने थोड़ा सा शुरुआत में महंगे हुए लेकिन इस बार कमबैकिंग गेंदबाजी करते समय अनिकेत को इस बार मैदान से बाहर भेज दिया और संदेश ने बल्लेबाज। अब संदेश को देखना है, अब संदेश किस तरह का संदेश देके मैदान से बाहर आते हैं। संकेत अंपायर को पार करते हुए ये गेंद बढ़िया गेंद रही थी लेकिन गेंद को खेल दिया ऑन साइड में। एक रन जरूर दिखाया, पूरा किया और इसके साथ में थोड़ा सा खराब यहां पर इस बार खराब क्षेत्ररक्षण रहा और 6 रन मिलेंगे मेरे ख्याल से, 6 रन जरूर मिलेंगे यहां पर। इस मैच को पूरी तरह से ओपन किया इस डॉट गेंद ने, इस खराब फील्डिंग के नतीजे से। जीत के लिए अभी 6 गेंद और 7 रनों की जरूरत। यकीनन ये 6 रन नहीं मिलते तो यहां पर मुश्किलें हो सकती थी यहां पर सानवी टीम के लिए, लेकिन अब बची हुई 6 गेंद और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। अगर ये अंतिम गेंद पे 6 रन नहीं मिलते, कम से कम 2 रन भी जाते ना, तो यहां पर मौका हो सकता था यहां पर प्रमोद पावसे के लिए, लेकिन खराब थ्रो हुई और थोड़ा सा फेंकने का डिसीजन भी गलत रहा उनका। इसका नतीजा यहां पर अब बची हुई 6 गेंदें और 7 रनों की जरूरत। यहां पर मयूर गायकवाड़ को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। यहां पर नमित उली गेंद, उद्देश सांगड़े, इस गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। पहली ओवर में पहली गेंद में एक रन जरूर मिला है, तेजेश ने एक रन जरूर चुलाया
रन रन सांगा रन किती 59 आणि प्रत्येक षटकारासाठी विराज पावशी यांच्याकडून संदेशासाठी 500 रुपये. गेंदबाज उद्देश अंपायर को पार करते हुए ये गेंद अब गेंद हवा में देखना है उद्देश्य गेंद तक पहुंचते हैं या नहीं. लेकिन यहां पर कैच को लपक लिया. थोड़ी सी मुश्किलें खड़े होगी यहां पर सानवी 11 टीम के लिए. लेकिन तेजस अभी तक मैदान में साबित है. तो यहां पर इस लक्ष्य को पार करना मुश्किल नहीं है सानवी 11 टीम के लिए जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी. तेजस ने बढ़िया बल्लेबाजी की है. तेजस का साथ निभाया अनिकेत ने परेश ने और जीत के लिए अभी 4 गेंद और 6 रनों की जरूरत. मैच में कमबैक कर सकता है अगर 2 गेंद डॉट निकालते हो. लेकिन अभी देखना है तेजस तो नॉन स्ट्राइक पे खड़े. मौका है अभी प्रमोद के पास. अगर ये गेंदबाज 2 गेंद डॉट निकाले तो यहां पर मैच में मौका हो सकता है प्रमोद के लिए. लेकिन गणेश जो बल्लेबाज उतरे हैं मैदान में चूकेंगे नहीं. मेरा तजुर्बा बोलता है गणेश जी चूकेंगे नहीं. क्योंकि जब जब उनका खेल देखा है तब तब हर गेंद को प्लेसमेंट करने का काम उन्होंने किया है. तो यहां पर अभी 5 रनों की जरूरत. 3 गेंद और 5 रनों की जरूरत. तेजस है मैदान पे. ओ व्हाट अ शॉट. और 4 रन और इसके साथ मैच को जीत लिया पूरी तरह से तेजस ने. और 1 रन की जरूरत है. 2 गेंद और 1 रन की जरूरत. यहां पर प्रमोद को सोच रहा होगा जिस तरह से आखिरी ओवर में खराब थ्रो हुई थी उसका ही परिणाम नतीजा यहां पर भुगतते समय यहां पर देवा फाउंडेशन के ये बल्लेबाज अब 2 गेंदे और जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत. दो गेंदे जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत. और एक गेंद डॉट होता है तो यहां पर मौका हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे मेरे ख्याल से तेजस. लेकिन गेंदबाज नया गेंदबाज है. उनके पास तजुर्बा कम है अनुभव कम है. और उसका नतीजा यहां पर तेजस अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंद और 41 रनों का योगदान. तेजस का वन मैन शो बल्लेबाजी का प्रदर्शन. यहां पर 2 गेंद और 1 रनों की जरूरत. इस बार मौका हो सकता है. और व्हाट अ कैच. संकेत वंस अगेन कम बैक. वंस अगेन कम बैक देवा फाउंडेशन. फिर एक बार चुस्मस. फिर एक बार इस मैच में मौका बनाते समय प्रमोद पावशे की ये टीम. दो भाई भाई की टीम है. एक बाजू में है प्रमोद पावशे और दूसरी बाजू में है शैलेश पावशे. अब तेजस पात्रे आउट मैदान से बाहर. शायद यहां पर शैलेश पावशे की दिल की धड़कन तेज. शायद मौका हो सकता है यहां पर आखिरी गेंद और जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत. देखना है अभिजीत किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं. व्हाट अ मैच. आज के दिन का सबसे बढ़िया मैच रहा है. एक गेंद 1 रनों की जरूरत. गेंदबाज भी नया और बल्लेबाज भी नया.
देखना है नए बल्लेबाज और नए गेंदबाज के बीच की ये यहाँ पर मुकाबला। एक बार सबसे सब लोग ताली बजाएं इस गेंद के लिए। आज के दिन के सबसे बढ़िया मुकाबला गेंदबाज उद्देश्य बेहतरीन गेंदबाजी की है और अभिजीत इस दोनों खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई। देख रहे हैं आखिरी गेंद पे एक रन और यहां पर मौका हो सकता था लेकिन अभिजीत भोपी अंतिम गेंद में मैच को जीता दिया और इसके साथ में साथ में 11 टीम मैच को जीत चुके हैं। दो की इस आज के दिन में दो मैच जीते हैं।